अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हैव यू तक, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है, लेसन नंबर 4 है थैंक यू मैम। ओके, देर इज नो बडी होम एट माय हाउस, सेड द बॉय। लड़के ने कहा मेरे घर में कोई भी नहीं है। देर इज नो बडी होम एट माय हाउस, मेरे घर में कोई शख्स भी नहीं है, लड़के ने कहा। वो कह रही है ना कि तुमने खाना खाया है क्योंकि काफी देर हो गई है। वो कहता है कि कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। लड़का कहता है मेरे घर में कोई भी नहीं है। देन वील ईट, वील किसका कंट्रक्शन होता है, वी विल और वी शैल का। तो क्या पढ़ते हैं, वील, वील किसका कंट्रक्शन होता है, वी विल और वी शैल का। Then we'll eat, said the woman. औरत ने कहा फिर हम इकट्ठे खाएंगे। I believe you are hungry or been hungry. I believe मेरा ख्याल है, I think कि तुम भूखे हो या फिर भूखे रहे हो। To try to snatch my pocketbook, इसी वजह से तुमने मेरा बटवा खींचने की कोशिश की या छीनने की कोशिश की। तो अब वो बता रहे हैं कि मैंने क्यों छीनने की कोशिश की। I want a pair of blue suede shoes, मैं नीले चमड़े के जूते खरीदना चाहता था। suede, ठीक हो गया, इट मीन्स लेदर, चमड़े के, मैं चमड़े के नीले जूते खरीदना चाहता था। दिस वर्ड इज अ टंग ट्विस्टर फॉर मी, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इन अ प्रॉपर वे। suede मीन्स के लेदर। तो लड़का क्या कहता है कि मैं चमड़े के नीले जूते खरीदना चाहता था। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माय पॉकेट बुक, तो तुम्हें मेरा बटुआ खींचने की जरूरत नहीं थी। टू गेट सम स्वेट शूज, नीले चमड़े के जूते खरीदने के लिए तुम्हें मेरा बटुआ खींचने की या छीनने की जरूरत नहीं थी। सेड मिसेज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसेज लॉयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे कह सकते थे, तुम मुझे कह देते। मैम, मैडम, बेटे 2018 के पेपर में ये वाला पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आया हुआ था, तो इसको घर से करके आइएगा रिटर्न फॉर्म में और लिख कर भी आइएगा, याद भी करने था आपने। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। ड्रिपिंग मीन ट्रिकलिंग, ड्रिपिंग का सिनोनिम क्या होता है बेटा, ट्रिकलिंग। फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। The boy looked at her, लड़के ने उसे देखा, यानी लड़के औरत को देखा। There was a long pause, एक लंबा वक्फा आया, खामोशी हो गई, खामोशी छा गई। Pause, ब्रिटिश इसको pause पढ़ते हैं, break इसका मतलब होता है वक्फा, break, intermission, pause, और अमेरिकन इसको pause पढ़ते हैं, pause और pause, both are correct, ठीक हो गया। There was a long pause, एक लंबा वक्फा आया। A very long pause, बहुत ही लंबा वक्फा आया। After he had dried his face, अपना चेहरा खुश्क कर लेने के बाद, and not knowing what else to do, और ये ना जानते हुए कि अब आगे क्या करे, dried it again, इसने से दोबारा खुश्क किया, ठीक है, अपना चेहरा खुश्क कर लेने के बाद और ये ना जानते हुए कि आगे वो क्या करे, उसने से दोबारा खुश्क किया। The boy turned around, लड़का मुड़ा, wondering ये सोचते हुए, what next के आगे क्या होगा या आगे वो क्या करे, लड़का ये सोचते हुए मुड़ा के आगे क्या होगा या क्या करे। The door was open, दरवाजा खुला हुआ था। He could make a dash, make a dash होता है make a run, तेजी से भाग जाना, dash नहीं to run, race, भागना। He could make a dash for it down the hall, वो हॉल में से गुजरता हुआ तेजी से भाग सकता था, तेजी से जा सकता था। He could run, वो दौड़ सकता था, run, 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 वो दौड़ता ही चला जाता, दौड़ता जाता, दौड़ता जाता, वो दौड़ सकता था या भाग। He could run, 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 वो भाग सकता था, वो भाग सकता था, वो दौड़ता रहता, वो दौड़ता ही रहता, ठीक है, मतलब तो सेम है ना कि वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था, ठीक है बेटा। बेटा देखो, पानी लड़के के चेहरे से, अरे बोलो ना, टपक रहा था। उसने, यानी कि लड़के ने औरत को देखा,
एक लंबी खामोशी छा गई, एक लंबा वक्फा आया, बहुत ही लंबा वक्फा, यानी कि दोनों बातचीत कर रहे थे, खामोश हो गए। अपना चेहरा खुश कर लेने के बाद और ये ना जानते हुए कि आगे क्या करे, लड़के ने अपना चेहरा दोबारा खुश किया। लड़का ये सोचते हुए मुड़ा कि आगे क्या होगा, दरवाजा खुला था, वो हॉल में से गुजर कर भाग सकता था, वो भाग सकता था, वो दौड़ता चला जाता, दौड़ता चला जाता, दौड़ता ही चला जाता। द वुमन वॉज सीटिंग ऑन द डेवेट, और सोफे पर बैठी हुई थी। आफ्टर अ व्हाइल शी सेड, थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस, जब मैं जवान हुआ करती थी। देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ आई के साथ क्या लगा हुआ है, वर क्यों लगा हुआ है, हमने तो ये पढ़ा था ना कि एज इफ के बाद वर लगाते हैं, वुड दैट के बाद वर लगाते हैं, इफ ओनली के बाद वर लगाते हैं। अब इसमें एज इफ ओनली जैसा तो कुछ भी नहीं है, है कुछ ऐसा वैसा नहीं है, फिर भी क्या लगा हुआ, आई के साथ वर लगा हुआ है। तो आई हैड बिन, तो ये असल में हैड बिन है, आई हैड बिन यंग वंस, जब मैं जवान हुआ करती थी, ठीक है, जब मैं जवान हुआ करती थी, ये पैसिव का है, आई हैड बिन यंग वंस, जब एक मरतबा, जब कभी मैं जवान हुआ करती थी, आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, तो मैं भी ऐसी चीजें हासिल करना चाहती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी, मैं भी ऐसी चीजों की ख्वाहिश किया करती थी, वॉन्टेड मीन डिजायर्ड, जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और लंबा वक्फा आया, द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुल गया, हैरानी से उसका मुंह खुल गया, ये भी मेरी तरह थी। देन ही फ्राउन, फिर उसके माथे पर बल आ गए, किसके माथे पर बल आए भाई, फ्राउन का, जी लड़के के, फ्राउन का सिनोनिम क्या होता है, चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, स्काउट, ठीक है, स्काउट, जी बेटा थोड़ा प्लीज स्पीक लाउडली, चलो खैर जो भी फरमा रही होंगी सही फरमा रही होंगी आप। देन ही फ्राउन, फिर उसके माथे पर बल आ गए, नॉट नोइंग ही फ्राउन, ठीक है, और उसे मालूम तक ना हुआ कि उसके माथे पर बल आए हुए हैं। द वुमन सेड, औरत ने कहा, अब हम हूं तो यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने ये सोचा कि मैं कहने वाली थी, बट डिडंट यू, क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा, जी फिजर के डिडंट किस चीज का वो होता है, जो क्या कहते हैं, डिड नॉट का कंट्रेक्शन हो गया, ये जो शॉर्ट सा क्वेश्चन है इसका नाम इस क्वेश्चन, वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन। अच्छा बेटे, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने सोचा कि मैं कहने वाली थी, बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैं लोगों के बटुए नहीं खींचा करती थी, वेल आई वॉज गोइंग टू से दैट, तो मैं ये नहीं कहने वाली थी, पॉज, साइलेंस, वक्फा, खामोशी, आई हैव डन थिंग्स टू व्हिच आई वुड नॉट टेल यू सर, बेटा मैंने भी ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ठीक है, मैंने भी ऐसे काम किए जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एवरीबॉडी इज गॉट समथिंग इन कॉमन, हर शख्स में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक होती हैं, हर शख्स में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक होती हैं। सो यू सिट डाउन, बस तुम बैठ जाओ, व्हाइल आई फिक्स अप, मैं लगाती हूँ, फिक्स अप मीन अरेंज करना, समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ, बस तुम बैठ जाओ और मैं खाने के लिए कुछ लगाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर, तुम अपने बालों में ये कंघी कर लो, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम माकूल दिखाई दो, डिसेंट दिखाई दो, अच्छे लगो। जी बेटा ये पैराग्राफ भी आपने करके आना है। इन अनदर, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो पढ़ने लगे, इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में, क्या बेटा जी, कमरे के दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, स्क्रीन कहते हैं पार्टीशन को, पर्दे को, वो था गैस प्लेट, गैस वाला चूल्हा था, एंड एन आइस बॉक्स, और बर्फ रखने वाला डिब्बा था, आइस बॉक्स में फ्रिज। कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे गैस का चूल्हा और बर्फ रखने वाला डिब्बा था। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन,
मिसेज जोन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, औरत ने लड़के को नहीं देखा, यानी कि औरत ने लड़के की निगरानी ना की। निगरानी ज्यादा सूटेबल है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सी ये देखने के लिए ही वो गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भाग तो नहीं रहा है। औरत ने ये देखने के लिए लड़के की निगरानी ना की कि आया क्या वो भाग तो नहीं रहा है। नॉर डिड सी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स को देखा। देखिए नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, देख रहे हो आप, ये नहीं है नॉर सी वॉच या सी डिड वॉच, नॉर डिड सी वॉच, ना ही उसने देखा। तो नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, ठीक है बेटा, उसको अंडरलाइन कर लेना एंटीटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट डिड सी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स को देखा। विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द टेबल, जो वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ाई थी। बट द बॉय टुक केयर, लेकिन लड़के ने एहतियात बरती टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, कि वो कमरे के दूर वाले कोने में बैठे या कमरे के बैदी कोने में बैठे। बैदी का मतलब ही दूर वाले, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर। वेयर ही थॉट, जहां उसका ख्याल था, शी कुड इजीली सी हिम, कि वो उसे आसानी से देख सकती थी। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी तिरछी निगाह से, कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी तिरछी निगाह से, इफ शी वांटेड टू, अगर वो देखना चाहती। लेकिन लड़के ने एहतियात बरती कि वो पर्स से दूर कमरे के बैदी कोने में बैठा रहे, जहां उसका ख्याल था कि अगर वो चाहती तो अपनी तिरछी निगाह से उसे आसानी से देख सकती थी। He did not trust the woman, उसे औरत पर एतबार नहीं था। Not to trust him, कि उस पर एतबार ना करें, यानी कि अब वो बद एतमाद नहीं होना चाहता, ठीक है, यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि औरत अब उस पर एतबार ना करे। वो चाहता था कि औरत उस पर क्या करे, ट्रस्ट करे। And he did not want to be mistrusted now, पर अब वो नहीं चाहता था कि उस पर शुबा किया जाए, उस पर शक किया जाए। Mistrusted means doubted, suspected, doubted और suspected, किसका सिनोनिम है, doubted, ठीक है। अच्छा इसको क्या, how to pronounce this word, how to pronounce this word, ये doubted हो गया, ठीक है, doubted, इसको कैसे pronounce करते हैं जी बेटा, नो इंडेप्टेड नहीं, जैसे यहाँ डाउटेड में क्या साइलेंट किया आपने, बी, तो इंडेटेड, दैट इज इंडेटेड, बी ए साइलेंट किया, इंडेटेड ऐसा मत होना, आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपका ऐसा मत, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस एज इंडेटेड, इंडेटेड, ऊपर वाला डाउटेड, नीचे वाला इंडेटेड। बेटा सांसा पैराग्राफ के कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे क्या था, गैस का चूल्हा और बर्फ रखने वाला डिब्बा मौजूद था। मिसेज जोन्स उठी और कहां चली गई, पर्दे के पीछे चली गई। औरत ने ये देखने के लिए लड़के की निगरानी ना की कि अब वो भाग रहा है, ना ही उसने अपना पर्स को देखा जो वो अपने पीछे कहां छोड़ाई थी, अरे बोलो तो सही यार, सोफे पर छोड़ाई थी। लेकिन लड़के ने एहतियात बरती कि वो पर्स से दूर कमरे के बैदी कोने में बैठा रहे, जहां उसका ख्याल था कि अगर वो चाहती तो उसे आसानी अपने तिरछी निगाह से आसानी से देख सकती। वो नहीं चाहता था कि औरत अब उस पर एतबार ना करे, वो अब नहीं चाहता था कि उस पर शक किया जाए। तो ये पैराग्राफ देखना भी है, करके भी है, इसी इस पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ने लगे। यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, स्टोर पर भेजने के लिए आपको किसी की जरूरत है, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, शायद दूध या कुछ और लेने के लिए, ठीक है। लड़का वाला से पूछ रहा है, क्या आपको स्टोर पर भेजने के लिए किसी की जरूरत है, शायद दूध या कुछ और चीज लेने के लिए। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वुमन, औरत ने कहा मेरा नहीं ख्याल। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, हाँ अगर तुम्हें अपने लिए मीठा दूध चाहिए तो और बात, यानी कि अगर आपको स्वीट मिल्क चाहिए आप लेकर आ दो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस केन्ड मिल्क, केन्ड कहते हैं प्रिजर्व को, डिब्बे में महफूज दूध,
केंट का सिनोनिम क्या होता है बेटा? केंट में ही रिजर्वमेंट, डिब्बे में बंद दूर। मैं यहां मौजूद डिब्बे में बंद दूध से या डिब्बे वाले दूध से कोको मशरूब बनाने लगी थी। कोको ट्री होता है, कोको ट्री, कोको की बीन्स होती हैं, फलियां होती हैं जिनसे कोको ड्रिंक बनता है, ठीक है। इसके अलावा कोको बीन्स से चॉकलेट भी बनती है। चॉकलेट भी किससे बनती है? कोको बीन्स से। दैट विल बी फाइंड सेड द बॉय, ये उमदा रहेगा, लड़के ने कहा जी। ये भी ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है जो आप पढ़ने लगे। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स एंड बीफ, उसने लीमा की फलियां, इंग्लिश में लाइमा पढ़ना है, उर्दू में इसको लीमा लिखना है, ठीक है। उसने लीमा की फलियां और गोश्त को गर्म किया। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास फ्रिज में मौजूद था, उसने बर्फ रखने वाले डिब्बे में मौजूद गोश्त और लाइमा की फलियों को गर्म किया। मेड द कोको, कोको मशरूम बनाया एंड सेट द टेबल, और खाने की मेज लगा दी। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय, औरत ने लड़के से नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा? एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, कि वो कहां रहता था, यानी कि उसकी रिहायशगाह के बारे में। और हिज फोक्स, फोक्स मीन रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ना ही उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा, और एनीथिंग एल्स, और ना ही किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा दैट वुड एम्बैरेस हिम, जिसे परेशान कर सकती थी या शर्मिंदा कर सकती थी, अपसेट कर सकती थी, डिसग्रेस कर सकती थी। डिसग्रेस, एम्बैरेसमेंट, डिसग्रेस और अपसेट। देखिए, लड़के ने, औरत ने लड़के से उसकी रिहायश के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में, और ना ही किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जो उसे परेशान कर सकती थी या जी अरे बोलो यार या शर्मिंदा कर सकती थी। इंस्टेड, इसकी बजाय, यानी लड़के से कुछ पूछने की बजाय, इसकी बजाय, एज दे एट, जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल। इट्स होटल, इट्स नॉट होटल, उर्दू में होटल लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बट इन इंग्लिश इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज होटल, मोटेल, ठीक है। अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, बजाय इसके उसने उसे होटल की ब्यूटी शॉप में अपनी मुलाजमत के बारे में बताया। दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात गए तक खुली रहती थी मुलाजमत, नहीं उस शॉप रात गए तक खुली रहती थी। व्हाट द वर्क वाज लाइक, काम किस नोयत का था, एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन, और किस तरह हम किस्म की औरतें, तमाम किस्म की औरतें केम इन एंड आउट, वहां आया जाया करती थी। वो कैसी औरतें थी? ब्लॉन्ड्स थी। ब्लॉन्ड्स मीन गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली औरतें, ठीक है, गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली औरतों को ब्लॉन्ड्स कहा जाता है। रेड हेड्स सुर्ख बालों वाली औरतें, एंड स्पेनिश और हस्पानवी नस्ल की औरतें, यानी कि उसकी होटल ब्यूटी शॉप में ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स और स्पेनिश औरतें आया करती थी। अब इसको ट्रांसलेशन सुनिएगा, बजाय इसके उसने उसे होटल की ब्यूटी शॉप जो रात गए तक खुली रहती थी उसमें अपनी मुलाजमत के बारे में बताया, काम किस नोयत का था, और किस तरह तमाम किस्म की औरतें सुर्ख गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली औरतें, सुर्ख बालों वाली औरतों और हस्पानवी नस्ल की औरतें वहां आया जाया करती थी। इज इट क्लियर? देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट का केक आधा काट कर उसको दिया। वो क्यों हो गया बेटा? आसान सा पैराग्राफ था कि उसने बर्फ के डिब्बे में मौजूद लीमा की फलियों को और गोश्त को गर्म किया और कोको मशरूम बनाया और कहा क्या किया, खाने की मेज लगा। औरत ने लड़के से उसकी रिहायश के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं पूछा जो उसे परेशान कर सकती थी। हाँ जी, बजाय इसके औरत ने क्या बताया, आप लोग बताएं? अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, बजाय इसके औरत ने लड़के को अपनी होटल की ब्यूटी शॉप में मुलाजमत के बारे में बताया जो रात गए तक खुली रहती है, और वहां काम किस नोयत का था और किस तरह मुख्तलिफ किस्म की औरतें, सुनहरी बालों वाली और गोरी रंगत और सुनहरी बालों वाली औरतें
सुरपालन वाली औरतें और हस्पानी या स्पेनी नस्ल की औरतें वहां आया जाया करती थी। फिर उसने अपना 10 सेंट का केक आधा काट कर उसको दिया, बेटा ये लिख कर आना, करके भी आना। इट्स अ मोर सन शी सेड, उसने कहा बेटा आप बेटा कुछ और भी खाओ, मजीद खाओ। जी बेटा ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। When they were finished eating, जब वो खाना खा चुके थे, she got up and said, वो उठी और कहा, Now here take this $10, अब ये $10 दे रहो। How much dollars she gave to the boy? Why did she give $10? Why did she give $10 to boy? To buy blue suede shoes. नीले चमड़े के जूते खरीदने के लिए उसको दिए थे $10। अच्छा जी, अब ये $10 ले लो एंड बाय योरसेल्फ सम ब्लू सुएड शूज, और अपने लिए नीले चमड़े के जूते खरीद लो। एंड नेक्स्ट टाइम, और आइंदा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, गलती मत करना ऑफ लैचिंग ऑन टू माय पॉकेट बुक और एनीबॉडी एल्सेस, और आइंदा मेरा बटुआ या किसी और का बटुआ छीनने की कोशिश मत करना, या उससे नथी होने की कोशिश मत करना। लैचिंग मीन स्नैचिंग, स्नैच कर लेना, ग्रास्पिंग, और यू कैन से स्टिके, चिमट जाना। और आप सिंपली स्पीकिंग आप उसको ऐसे कहें, और आइंदा मेरा या किसी और का बटवा छीनने की कोशिश मत करना। बिकॉज शूज कार्ड बाय टैबलेस वेस विल बर्न योर फीट, क्योंकि शैतानी तरीके से खरीदे गए जूते तुम्हारे पाओं को जला देंगे। शैतानी तरीका मीन रॉन्ग वे, सिनफुल वे, डेविलिश, डेविल होता ना शैतान, तो डेविलिश मीन शैतानी तरीका, तो सिनोनिम क्या बनेगा इसका, रॉन्ग वे या सिनफुल वे, क्योंकि शैतानी तरीके से या गलत तरीके से खरीदे गए जूते तुम्हारे पांव को अरे दो जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है, बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन आइंदा बेटा आई होप यू विल बिहेव योरसेल्फ, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करोगे। बिहेव, बिहेव मीन टू एक्ट प्रॉपरली, बिहेव का सिनोनिम क्या होता है बेटा, टू एक्ट प्रॉपरली, टू एक्ट प्रॉपरली बिहेव का। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि उसका बिहेव अच्छा नहीं है, अरे भाई बिहेव जो है ये तो वर्ब है, बिहेव्ड, बिहेव, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका बिहेव नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा आगे, बेटा जब वो खाना खा चुके ना, वो उठी और कहा अब ये $10 ले लो और अपने लिए चमड़े के नीले जूते खरीद लो, और आइंदा मेरा बटुआ या किसी और का बटुआ खींचने की या छीनने की कोशिश मत करना, क्योंकि गलत तरीके से खरीदे गए जूते तुम्हारे पाँव को जला देंगे। अब मुझे आराम करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है बेटा कि आइंदा तुम अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करोगे। फिर इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस पैराग्राफ? ओके बेटा, शी लेट हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, वो से हाल में से लेकर सदर दरवाजे पर आई, सामने वाले दरवाजे पर आई, एंड ओपन इट, और इसे खोला। गुड नाइट, सबा खैर, बिहेव योरसेल्फ बॉय, लड़के अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में बाहर देखते हुए उसने कहा, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियां उतर रहा था। लड़के अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करना, गली से बाहर देखते हुए उसने कहा, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। बेटे इसकी पंक्चुएशन करके निशान लगाए जी, बेटे ये नीचे वाला जो है ना, ये पंक्चुएशन के लिए भी और ट्रांसलेशन के लिए भी है। The boy wanted to say something other than, लड़का कुछ और भी कहना चाहता था। The boy wanted to say something other than, लड़का कुछ और भी कहना चाहता था। Thank you ma'am, मैडम आपका शुक्रिया के अलावा। To Mrs. Loyola Bates Washington Jones, लड़का Mrs. Loyola Bates Washington Jones को मैडम आपका शुक्रिया है के अलावा भी कुछ कहना चाहता था। बट वो तो इस लिप्स मूव, लेकिन अगरचे कि उसके होंठों ने हरकत की, बट हरकत की, ही कुडंट, कुडंट किसका कंट्रैक्शन होता है भाई, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कुडंट,
क्या पढ़ते इसको? Couldn't. I couldn't do it. I couldn't go there. ठीक हो गया? तो could not, couldn't. He couldn't even say that. वो ये भी ना कह सका. As he turned, जब वो मुड़ा, as at the foot, कदमचे पर, of barren stoop. Barren means बंजर, बेयाबान, सुनसान. ठीक है? Deserted. Desert से deserted, unoccupied. Stoop का मतलब ऐसे झुकना होता है, bend होता है. लेकिन यहाँ stoop का मतलब उर्दू में चबूतरा है और इंग्लिश में प्लेटफॉर्म है. क्या है बेटा? यहाँ stoop का मतलब झुकना नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, चबूतरा. लेकिन अगरचे कि उसके होंठों ने हरकत की, वो ये भी ना कह सका जब वो सुनसान चबूतरे के बैरन स्टूप में. अरे बैरन स्टूप का क्या मतलब है? सुनसान चबूतरे के निचले कदमचे पर मुड़ा एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन इन द डोर. दरवाजे में खड़ी दराज का खातून को देखा. देन शी शट द डोर. उसने दरवाजा बंद कर दिया. लड़का मिसेज लॉयला ब्रिट चिंटन जोन्स को, मैडम आपका शुक्रिया है के अलावा भी कुछ कहना चाहता हूँ. अगरचे कि सुहांटू ने हरकत की, वो ये भी ना कह सका जब वो सुनसान चबूतरे के निचले कदमचे पर मुड़ा और दरवाजे में खड़ी दराज कद खातून को देखा. फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेसन? बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताया जो आपको पंक्चुएशन बताया, प्लीज घर से करके आइएगा. अच्छा जी, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन? व्हाट वाज द मोरल लेसन ऑफ दिस लेसन? हालांकि सबक क्या था इस लेसन का? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद अस? हाउ मच टाइम इज देयर? Its time is over. Okay, we will have a discussion about it later on. Okay, Jalla Hafiz, take care.